क्या दोस्तों आपको भी कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, कि जैसे ही आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं वहाँ पे कोई डिस्प्ले ही नहीं आता, या फिर आता है तो नो सिग्नल करके कुछ ऐसा मैसेज आपको शो होता है, तो ये क्यों आता है और किस लिए आता है, इसका सलूशन क्या है, तो मैं आप इस बारे में आपको आज बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप फिर से देख सकें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रॉब्लम 99% रैम की वजह से आता है, आपको बता दूं। तो ये कंफर्म नहीं है कि मतलब रैम की वजह से ही आता है, और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मदरबोर्ड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, सीपीयू का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर हमको कन्फर्म करने के लिए हमें कुछ चेक करना होगा, कि पहले हमें कन्फर्म कर लेना है कि ये हमारा रैम का प्रॉब्लम है या फिर हमारे मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है या फिर सीपीयू का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर रैम का प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि रैम, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे रैम में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को ऑन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको ऑन करके दिखाता हूँ पूरा। तो यहाँ पर हमारा मॉनिटर ऑन हो गया है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, अभी आएगा भी नहीं क्योंकि सीपीयू ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना सीपीयू ऑन करते हैं, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा सीपीयू है, ये ऑन कर दिया हमने, ये देखिए आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे रही होगी शायद, और नहीं सुनाई दी है तो एक बार फिर से आपको माइक निकालता हूँ, और शायद आपको सुनाई नहीं दे रही हो, अब आप सुन सकते हैं। ये देखिए मैंने अपना सीपीयू ऑन किया, अब आपको सुनाई दे रही होगी शायद, अगर ये बीप की आवाज़ आ रही है आपके मोबाइल में, सॉरी पीसी में, सिस्टम में, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके रैम में प्रॉब्लम है। अगर आपने नई रैम डाली है तो वो अच्छी तरह से बैठी नहीं है, या फिर आपने कोई नई रैम नहीं डाली है, पहले से ही आपका सिस्टम चल रहा था और चलते चलते ये प्रॉब्लम आई है, तो हो सकता है आपके रैम में कार्बन आ गई हो, ठीक है। और इसका और एक टेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि आप अपने सिस्टम को ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद में आपको ये कीबोर्ड में तीन लाइट, जो तीन एलईडी होती हैं वो आपके कीबोर्ड में भी होगी, तो आपको जब अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो यहाँ पर तीन लाइट एकदम ब्लिंक होंगी, 1 सेकंड के लिए ये जल जाएंगी, ये देखिए ये जल जाएंगी। अगर ये जल के बंद हो गई हैं तो मान लो कि आपका रैम में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और अगर आपके कीबोर्ड में लाइट बिल्कुल जल रही नहीं है, यानी जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हो तो कीबोर्ड में बिल्कुल लाइट जलती नहीं है, तो हो सकता है आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो या फिर आपके सीपीयू में प्रॉब्लम हो। लेकिन ये सब चेक करने से पहले आप अपने एक बार वीजीए केबल को चेक कर लीजिए। कई बार होता है कि मतलब सीपीयू नीचे रखा है, हमारा टेबल के नीचे रख दिया या फिर कोने में रख दिया, ऐसा ही रख देते हैं लोग घरों में, तो मतलब कभी कभी चूहे आते हैं और खुतर जाते हैं केबल को, तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक बार अपने वीजीए केबल को चेक कर लीजिए, और पीछे अपना चेक कर लीजिए सॉकेट कहीं लूज़ बूज तो नहीं हो गया है, उसे एक बार टाइट करके देख लीजिए, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप अपना सीपीयू को खोल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आएगा कि मतलब रैम चेक कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपना सीपीयू ऑन करना है, सीपीयू ऑन करने के बाद में आपको अगर दो बार बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके रैम में प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे लाइट जल रही है तो। अगर लाइट नहीं जल रही है बिल्कुल भी, तो आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप चाहो तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि वो प्रॉब्लम क्यों आती है। तो अभी फ़िलहाल हम अपना रैम चेक करते हैं, उसके बाद में फिर आगे बात करेंगे। रैम को चेक करने के लिए हमें अपना सीपीयू खोलना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ से अपना वीडियो को स्किप कर देता हूँ, पहले अपना सीपीयू खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको रैम किस तरीके से खोलनी है और किस तरीके से उसे क्लीन करके दोबारा से उसमें लगानी है, और देखते हैं कोशिश करके हमारा सीपीयू ऑन होता है कि नहीं, या हमें डिस्प्ले आती है कि नहीं सीपीयू। जब तक मैं सीपीयू खोलता हूँ, जब तक आप ये ऐड देखिए, हमारा सीपीयू है, इसे हम खोलेंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं इस तरीके से, तो ये पहले से ही खुला हुआ है, यहाँ पे स्क्रू नहीं है, मतलब ऐसे ही फंसा रहता है ये, तो इस तरीके से आप इसको पीछे की तरफ सरकाएंगे इधर से ऐसे, तो ये खुल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना सीपीयू खोल लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको दिखाई दे रहा है, अब आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से, इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सॉकेट मिल जाती है रैम की। तो यहाँ पे
आपको दो लॉक मिलेंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस तरीके से आपको ये यहाँ से इसे प्रेस करना है और यहाँ से इसे दबाना है इस तरीके से, और इस तरीके से सीधा आराम से इसको निकाल लेना है आपको। ये टेढ़ी वेढ़ी नहीं करनी है या इसमें झटका वटका नहीं लगाना है, नहीं तो ख़राब हो सकती है। तो ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब इसको हमें साफ़ करना होगा। ये देखिए यहाँ पर अक्सर होता है कि कभी कभी जो कार्बन आ जाता है तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए यहाँ पे हम इसे पहले क्लीन कर लेते हैं। क्लीन तो आप देख सकते हैं ये हमने रैम अपनी निकाल ली है। और ऐसा आपको एक इरेजर ले लेना है जिसे हम रबड़ भी बोलते हैं, जो पेंसिल इरेजर बोलते हैं। तो इसे आपको यहाँ पे देखिए पॉइंट होते हैं, यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कार्बन आ चुकी है। ये जो काले काले पॉइंट हो चुके हैं, इसके जो पॉइंट है वो थोड़े थोड़े काले हो गए हैं। तो ये काफ़ी दिन लगने के बाद ऐसा होता है कि हमने एक बार लगा दिया और फिर छोड़ दिया, साल छः महीना हमने उसे हाथ नहीं लगाया। तो कभी कभी चलते चलते कार्बन आ जाती है, सील जाती है रैम, तो इस वजह से ये कार्बन आ जाती है। तो इसे आपको इस तरीके से साफ़ कर लेना है। यही क्यों मैंने बताया, क्योंकि ये जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो एक पेंसिल भी एक कार्बन ही होती है जो पेपर पे लिखती है, तो उस तरीके से ये कार्बन को क्लीन करती है। तो यहाँ पे भी कार्बन है तो ये कार्बन को क्लीन करेगी। तो इसलिए रबड़ जो इरेजर है वो इसे अच्छी तरह से साफ़ कर पाता है। वैसे आप कपड़े से भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, लेकिन कपड़े से करना है तो थोड़ा सावधानी के साथ कीजिए। इस तरीके से आपको क्लीन कर लेना है। अब इधर से भी करना है। और क्लीन करने के टाइम पे याद रखें कि आपके हाथ पानी में भीगे हुए नहीं होने चाहिए, एकदम सूखे होने चाहिए। क्योंकि ये यहाँ पे पूरी की पूरी सर्किट आप देख सकते हैं कितनी सारी आईसी लगी हुई हैं, यहाँ पे भी लगी हुई हैं। तो अगर पानी ही नहीं पड़ेगा तो शॉर्ट हो जाएगी, आपकी रैम ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्लीन कर लेनी है। अब ये क्लीन हो चुकी है, आप देख सकते हैं चमक रही है। और चलिए अब जान लेते हैं कि हम इसे कैसे लगाएंगे अपने मदरबोर्ड में। तो चलिए इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक खांचा होता है। अगर आप घबराओ कि नहीं अभी हमने कैसे निकाली थी, ये कैसे लगी थी, ऐसे लगी थी या ऐसे लगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक जो सॉकेट का जो खांचा होता है वो खांचे में ही बैठेगा। तुम इसको उल्टा लगाओगे तो ये लगेगी भी नहीं, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम इसे अपने मदरबोर्ड में लगाएंगे। तो लगाने के लिए आपको जैसे आपने निकाला था, आप देख सकते हैं इसका जो सॉकेट का जो खांचा होता है, एक कटा हुआ निशान होता है, यहाँ पे भी एक निशान होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये खांचा बीच में नहीं है, थोड़ा ऊपर की साइड है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी ये थोड़ा ऊपर की साइड है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे ही लगेगी। इस तरीके से आपको ये लॉक आपके नीचे होनी चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से इसमें बैठ जाए। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे इस तरीके से इस खांचे में बैठा के और इसको यहाँ से और यहाँ से इसको दबा देना है, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। इस तरीके से ऐसे आवाज़ आएगी, ये देखिए ये बैठ चुकी है। तो अब हम इसे ऑन करके देखते हैं कि हमारी डिस्प्ले आती है या नहीं। तो सबसे पहले हम सीपीयू ऑन करेंगे। और देखते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर चालू हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं आप कि हमारा जो डिस्प्ले है वो आ चुकी है। तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम रैम की वजह से ही आती हैं। इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा जो डिस्प्ले है वो एक एक बार नहीं आता है, या फिर आपको वीजीए केबल चेक कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास ये वाला इरेजर नहीं है तो आप कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन आराम से कीजिएगा ताकि जो उस पर जो प्रिंट होता है वो उखड़ ना जाए। आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे एक जो नंबर लॉक का जो एक एलईडी होता है, ये देखिए इसको दबाओगे तो आपको ये जल जाएगा। अगर ये जल जाएगा तो मान लो कि आपका जो रैम में से सप्लाई आ चुकी है आपके मॉनिटर में, और डिस्प्ले देने के लिए आपका मॉनिटर तैयार है। तो ये लाइट आनी चाहिए, अगर ये लाइट नहीं आ रही है तो आपके रैम की प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे चालू होने के बाद में एक बार लाइट जलती हैं
तीनों लाइट एक साथ जलेंगी फिर बंद हो जाएंगी। अगर वो यहाँ पर लाइट आ रही है तो ठीक है, और नहीं आ रही है तो फिर आपको आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप अपने ये एक यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो कि अगर आपके कीबोर्ड में बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है या फिर आपका जो पीसी है वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है तो एक सेकंड के लिए या फिर दो सेकंड के लिए चालू होके बंद हो जाता है, या फिर स्टार्ट हो जाता है और बीच में हैंग हो जाता है, तो आपको यहाँ पे एक बार जो हमारा जो प्रोसेसर होता है, यहाँ पे देखिए फ़ैन है, यहाँ पे एक ये फ़ैन घूम रहा है और यहाँ पे इसके नीचे हीट सिंक है, और यहाँ पे आप एक बार हाथ रख के देख लीजिए कि यहाँ पे आप यहाँ पे घबराइए मत, यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता, यहाँ पे करंट नहीं आता है, तो यहाँ पे हाथ रख के देख लीजिए कि यहाँ पे हीट हो रहा है या नहीं। हीट हो रहा है तो फिर ठीक है, आपका रैम का ही प्रॉब्लम हो सकता है। अगर यहाँ पे हीट नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है इसलिए हीट नहीं हो रहा है, इसलिए आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है। यहाँ पे एक सॉकेट होता है 4 पिन का, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे एक सॉकेट होता है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे वो जो सॉकेट होती है उसमें 2 पीले कलर की और 2 काले कलर की वायर होती हैं, वो वहाँ पर रहती है। उसे आप एक बार चेक कर सकते हैं कहीं लूज़ तो नहीं हो गई या फिर कहीं कार्बन तो नहीं आ गई है, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ तो मैं आपको ऊपर आई के बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक दे दूँगा, जब वीडियो बनाऊँगा तो वो वीडियो आप देख करके इसका भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। फाइनली स्टार्ट हो गया है हमारा कंप्यूटर और डिस्प्ले भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये स्टेप फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक सीखते रहिए और देखते रहिए कुछ नया सीखे चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।